हेलो गाइस, आज हम वीडियो में बताने वाले हैं कि जो हमारा IQ Z7S 5G फ़ोन है, तो IQ Z7S 5G फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर जो हमारे फ़ोन का रिफ्रेश रेट है, तो रिफ्रेश रेट को आप कैसे चेंज कर सकते हैं अपने IQ Z7S 5G फ़ोन में, और कैसे आप रिफ्रेश रेट को डिस्प्ले के कॉर्नर पे कैसे शो कर सकते हैं, तो आज हम वीडियो में बताने वाले हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि फ़ोन के आइकन्स हैं, शो हो रहे हैं, तो आपको स्वाइप करना है। स्वाइप करते ही ऑल आइकन्स ओपन हो जाएंगे, फिर आपको सेटिंग्स पे जाना है और क्लिक करते ही जो फ़ोन की सेटिंग्स है आपके फ़ोन में ओपन हो जाएगी। तो आप रिफ्रेश रेट वगैरह को चेंज कैसे कर सकते हैं और रिफ्रेश रेट को कैसे आप चेंज कर सकते हैं, तो सिंपली आपको सर्च करना है रिफ्रेश रेट। तो रिफ्रेश रेट को आप चेंज करना चाहते हैं, तो जो भी आप रिफ्रेश रेट को चेंज करना चाहते हैं 90N 60N स्मार्ट स्विच, तो आप कर सकते हैं और यहाँ से इसका यूज़ कर सकते हैं और रिफ्रेश रेट को आप चेंज कर सकते हैं। तो इस तरीके से रिफ्रेश रेट को आप चेंज कर सकते हैं अपने IQ फ़ोन में, और सिंपली इसका आप यूज़ करना चाहें तो कर सकते हैं। सिंपली जैसे आप फ़ोन पे जाते हैं और रिफ्रेश रेट को आप डिस्प्ले पे शो करना चाहें तो डिस्प्ले पे भी शो कर सकते हैं। यहाँ से करते हैं तो आप एक कॉर्नर पे 90 60 का रिफ्रेश रेट शो होता है, यानी ऑटोमेटिकली स्विच हो रहा है जो रिफ्रेश रेट आपका। ऑफ़ कर देंगे तो इसमें शो नहीं करेगा। तो इस तरीके से आप रिफ्रेश रेट को चेंज कर सकते हैं फ़ोन की सर्चिंग सेटिंग्स पे जाकर। सिंपली आपके पास ये ऑप्शंस भी आ जाता है, डिस्प्ले डिस्प्ले पे जाते हैं तो आपके पास ये रिफ्रेश रेट का ऑप्शंस आ जाएगा, जिसके जरिए रिफ्रेश रेट को 60 या 90 N स्मार्ट स्विच भी आप कर सकते हो, रिफ्रेश रेट को बदल भी सकता है। तो इस तरीके से रिफ्रेश रेट को चेंज कर सकते हैं IQ Z7S 5G फ़ोन में। तो आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतजार करें, वीडियोस को शेयर करें। थैंक यू।